यहाँ पे आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कंदकोट से। कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर ऑपरेशन एलिगेशन इंतजामिया का 20वें रोज भी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। सोलंगी पुल से कमर्शियल एरिया 35 फुट तक खाली कराया जा रहा है। इंतजामिया का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान कमर्शियल एरिया पर कायम घरों और दुकानों को खाली कराने का अमल जारी है। इलाका मकीनों का कहना है एलिगेशन इंतजामिया तजावजात के नाम पर हम गरीबों के घर तोड़कर बेघर कर रही है। आपको आगाह कर रहे हैं कंदकोट से, जहां पर एरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। आपको एक बार फिर बताते चले कि कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद एरिगेशन का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। सोलंगी पुल से कमर्शियल एरिया 35 फुट तक खाली कराया जा रहा है। इंतजामिया का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान कमर्शियल एरिया पर कायम घरों और दुकानों को खाली कराने का अमल जारी है। इलाका मकीनों का कहना है कि एरिगेशन इंतजामिया तजावुजात के नाम पर हम गरीबों के घर तोड़कर बेघर कर रही है। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे कंदकोट से फैज न्यूज के नुमाइंदे मीर अली अकबर से। जी मीर अली अकबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताया चलूँ कि कश्मीर और कंदकोट में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर एरिगेशन इंतजामिया का 20वें रोज भी जो है तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में सोलंगी पुल से कमर्शियल एरिया 35 फुट तक खाली कराया जा रहा है। जब हमारे इंतजामिया से बात हुई है, उनका कहना है कि ऑपरेशन के दौरान कमर्शियल एरिया पर कायम घरों और दुकानों को खाली कराने का अमल जो है वो जारी है। तजावजात का खात्मा करके 8 मार्च को हाईकोर्ट कराची में रिपोर्ट पेश करेंगे। दूसरी जानब इलाका मकीन जो है वो मुतासर अफराद है, उनका कहना है कि हमारी जो एरिगेशन इंसानिया हाई कोर्ट के हुक्म पर जो है काम नहीं कर रही है। तजावजात के नाम पर हम गरीबों के जो घर है उनको तोड़कर हमें बेघर किया जा रहा है। हम गरीब लोग हैं, इस वक्त हम खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमत जो है हमारे घरों को अगर मुसमार कर रही है तो कम से कम हुकूमत हमें मुतबादल घर फराहम करे। ऑपरेशन में जो है मैं आपको बताया चलूँ की ऑपरेशन में इस वक्त एरिगेशन इंसानिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स और पुलिस जो एहलकार है वो हिस्सा ले रहे हैं। जी अच्छा अली, ये भी बताएगा इलाका मकीनों से आपकी बात हुई है, ऑपरेशन से कबल किसी किस्म के कोई नोटिसेस जारी किए गए हैं घरों को खाली करवाने के लिए? जी बिल्कुल, कुछ जो इलाके हैं ऑपरेशन से कबल कुछ इलाकों को नोटिस जारी किए गए हैं, मगर कुछ ऐसे इलाके हैं वहाँ जो है नोटिस जारी नहीं किए गए हैं। इलाका मकीन काफी परेशान होकर यही कहना है कि हमें आगाह भी नहीं किया गया है ऑपरेशन से कबल जो है हम अपने घरों को जो है खुद अपने मसमार करके हम साइड दूसरी जगह जाते, मगर हमारे घरों को जो है बगैर नोटिस जो है वो जो है वो गिराया जा रहा है और कुछ जगह पर नोटिस दिया गया है। और इस वक्त जो एरिगेशन इंतजामिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट इंक्रोचमेंट फोर्स की जानिब से जो है वो घरों में जो है वो उनको जो इंतजामिया के खिलाफ जो तजावजात के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर एरिगेशन इंतजामिया का 20वें रोज भी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सोलंगी पुल से कमर्शियल एरिया 35 फुट तक खाली कराया जा रहा है। इंतजामिया का कहना है ऑपरेशन के दौरान कमर्शियल एरिया पर कायम घरों और दुकानों को खाली कराने का अमल जारी है। इलाका मकीनों का कहना है कि एरिगेशन इंतजामिया तजावुजात के नाम पर हम गरीबों के घर तोड़कर बेघर कर रही है। और यह थी फैस टीवी ताजा तरीन।